नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल ऑनलाइन एग्जाम तैयारी पर। तो दोस्तों, आप सभी दोस्तों के लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी है, क्योंकि दोस्तों रिलायंस स्कूल शिक्षक भर्ती 2024 की नई वैकेंसी की नई नोटिफिकेशन जारी कर दी गई है। तो दोस्तों, अलग अलग राज्यों में स्कूल चलाए जा रहे हैं रिलायंस स्कूल फाउंडेशन के नाम से। जैसे कि पहले वैकेंसी आई थी और आप लोगों को सूचना दी गई थी, तो दोस्तों उसमें बहुत सारे दोस्तों का सिलेक्शन भी हुआ है और दोस्तों उन्होंने जॉब भी प्राप्त की है। तो दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले एक प्यारा सा लाइक जरूर करें और हमारे इस वीडियो को आप अपने दोस्तों के पास में साझा जरूर करें, जिससे कि हमारे इस वीडियो का बेनिफिट आप अपने दोस्तों को भी दे सकते हैं। दोस्तों, इस फॉर्म को अप्लाई करने के लिए किसी प्रकार की एप्लीकेशन फीस नहीं लगेगी, ये एकदम निःशुल्क रखा गया है। दोस्तों, बात करें किस किस की वैकेंसी आई हुई है, NTT, PRT, TGT और PGT, और दोस्तों इसके अलावा अदर भी वैकेंसी आई हुई है। और दोस्तों, इसमें अलग अलग विषय के हिसाब से वैकेंसी आई हुई है। दोस्तों, इसमें फॉर्म अप्लाई फ्रेशर कैंडिडेट भी कर सकते हैं और दोस्तों अनुभव कैंडिडेट भी इसमें फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। सैलरी आपकी 72,000 रुपये तक रहने वाली है, जो कि काफ़ी अच्छी सैलरी है। और दोस्तों, इसमें आवास की सुविधा एकदम फ्री मिलने वाली है। दोस्तों, ऑल इंडिया के मेल एंड फीमेल कैंडिडेट इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, चाहे वह किसी भी राज्य या किसी भी डिस्ट्रिक्ट में निवास करते हों। तो दोस्तों, रिलायंस स्कूल शिक्षक भर्ती के बारे में अधिक इन्फॉर्मेशन प्राप्त करने के लिए और दोस्तों फॉर्म कैसे अप्लाई करना है स्टेप बाय स्टेप जानकारी प्राप्त करने के लिए चलते हैं इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर। तो दोस्तों, यह है इसकी ऑफिशियल वेबसाइट। और दोस्तों, कैरियर पर क्लिक करने के बाद में दोस्तों ऐसा पेज ओपन हो जाएगा और दोस्तों स्क्रोल करके नीचे जाने पर यह आपके सामने बायोडाटा ओपन हो जाएगा। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं यानी कि अप्लाई कैसे करना है। दोस्तों, यहाँ पे दे रखा है टू अप्लाई फॉर स्टाफ पोजिशन प्लेस, यहाँ पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद में दोस्तों ऐसा पेज ओपन हो जाएगा। इस फॉर्म को अप्लाई करने के बाद में दोस्तों यहाँ पे दे रखा सबमिट का ऑप्शन, तो सबमिट करना है। तो दोस्तों, फॉर्म अप्लाई कैसे करना है, दोस्तों नेम के साथ में स्टार है, सब्जेक्ट के साथ में स्टार है, रेजिडेंसी के साथ में स्टार है, यानी कि जहाँ जहाँ पर स्टार लगा हुआ है उसे तो आपको फिलिप करना ही करना होगा, उसे आप खाली नहीं छोड़ सकते। दोस्तों, नेम भरना है, सब्जेक्ट भरना है, रेजिडेंसी भरना है, DOB भरना है। और दोस्तों इधर दे रखा है फोटो अपलोड, यानी कि चॉइस करना है। और दोस्तों इधर कॉलम में दे रखा है अदर, इफ अदर, और दोस्तों नीचे दो जगह और दे रखा है। दोस्तों, इसे आप खाली छोड़ सकते हैं, फिलअप करें तो करें, नहीं खाली भी छोड़ सकते हैं। तो दोस्तों, इस फॉर्म को फ्रेशर कैंडिडेट भी अप्लाई कर सकते हैं। तो दोस्तों, इस फॉर्म को अच्छी तरीके से फिलअप करके आपको सबमिट कर देना है। और दोस्तों, बात कर लेते हैं एप्लीकेशन फॉर द फ्लोइंग पोजिशन, यानी कि किस किस पोस्ट पर वैकेंसी आई हुई है। दोस्तों, यहाँ पे दे रखा है असिस्टेंट हेडमास्टर फॉर प्री प्राइमरी एंड प्राइमरी स्कूल है। तो दोस्तों, इसके लिए क्वालिफिकेशन पोस्ट ग्रेजुएट, ग्रेजुएट विथ BEd, और दोस्तों 5 से 7 साल का एक्सपीरियंस होना भी अनिवार्य है। दोस्तों, इसके लिए तो ये अनिवार्य है एक्सपीरियंस। और दोस्तों, इसके आगे मैं बताऊंगा आपको कौन कौन सी पोस्ट के लिए प्रेशर कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। अगला पद है प्री प्राइमरी टीचर, यानी कि PPRT। तो दोस्तों, इसके लिए क्वालिफिकेशन है पोस्ट ग्रेजुएशन, ग्रेजुएशन विथ ECCED और एन इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन, यानी कि इसके इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन कोई भी हो वो इस फॉर्म को अप्लाई करने के लिए एलिजिबल है। दोस्तों, बात करते हैं अगले पद की PRT मदर टीचर फॉर क्लास 1-4। दोस्तों, इसके लिए पोस्ट ग्रेजुएट और ग्रेजुएशन विथ BEd, तो दोस्तों ये भी अप्लाई कर सकता है, यानी कि जो ग्रेजुएशन किया है या पोस्ट ग्रेजुएशन किया है या BEd किया हुआ कैंडिडेट इस पद के लिए अप्लाई कर सकता है। उसके बाद में ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर, दोस्तों इन ऑल सब्जेक्ट पोस्ट ग्रेजुएट, ग्रेजुएट विथ BEd, यानी कि ये किया हुआ कैंडिडेट इस फॉर्म को अप्लाई कर सकता है। और दोस्तों, उसके बाद में पोस्ट ग्रेजुएट टीचर यानी कि PGT, इसके लिए क्वालिफिकेशन है पोस्ट ग्रेजुएट विथ BEd। दोस्तों, बात करते हैं एक्टिव टीचर की। दोस्तों, इसके लिए योग्यता है पोस्ट ग्रेजुएट, ग्रेजुएट और एन इक्विवेलेंट डिग्री, यानी कि दोस्तों इनके बराबर और कोई डिग्री भी है तो आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। बात करें योगा टीचर की, दोस्तों इसके लिए क्वालिफिकेशन है पोस्ट ग्रेजुएट, ग्रेजुएट विथ डिप्लोमा इन योगा, यानी कि योगा का डिप्लोमा भी होना अनिवार्य है। दोस्तों, बात करें स्पेशल एजुकेटर, दोस्तों इसके लिए है पोस्ट ग्रेजुएट, ग्रेजुएट विथ BEd इन स्पेशल एजुकेशन एंड RCI सर्टिफिकेट, यानी कि RCI का सर्टिफिकेट भी होना अनिवार्य है। दोस्तों, बात करें कैरियर काउंसलर की, दोस्तों इसके लिए क्वालिफिकेशन है पोस्ट ग्रेजुएट, ग्रेजुएट विथ डिप्लोमा इन कैरियर काउंसिल का, यानी कि दोस्तों क्वालिफिकेशन के साथ साथ में आपके पास में डिप्लोमा भी होना चाहिए कैरियर काउंसिल का। दोस्तों, बात करें लाइब्रेरियन या असिस्टेंट लाइब्रेरियन, इसके लिए क्वालिफिकेशन है पोस्ट ग्रेजुएट,
ग्रेजुएट इन लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस से। तो दोस्तों डिप्लोमा भी होना अनिवार्य है, ये किया हुआ कैंडिडेट ही आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों बात करते हैं असिस्टेंट आईटी मैनेजर, इसके लिए पोस्ट ग्रेजुएट है विथ डिप्लोमा इन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड कंप्यूटर साइंस, और दोस्तों इसके साथ में 5 से 7 ईयर का एक्सपीरियंस भी होना अनिवार्य है। दोस्तों बात करें एचआर मैनेजर, इसके लिए पोस्ट ग्रेजुएट ग्रेजुएट विथ डिप्लोमा इन एचआर, और दोस्तों 5 से 7 साल का इसमें एक्सपीरियंस होना अनिवार्य है। दोस्तों बात करें मैनेजर एडमिनिस्ट्रेशन, इसके लिए योग्यता है पोस्ट ग्रेजुएट ग्रेजुएट, और दोस्तों 5 से 7 साल का इसमें एक्सपीरियंस भी होना अनिवार्य है। दोस्तों बात करें अदर की, अदर वैकेंसी आई हुई है सेक्रेटरी, सेक्रेटरी के लिए है ग्रेजुएशन विथ 2 से 3 साल का एक्सपीरियंस भी होना चाहिए। और दोस्तों बात करें अकाउंटेंट असिस्टेंट की, ये वैकेंसी बहुत ही कम आती है। दोस्तों अकाउंटेंट असिस्टेंट के लिए क्वालिफिकेशन है बीकॉम एमकॉम विथ 2 से 3 ईयर का एक्सपीरियंस भी होना अनिवार्य है। और दोस्तों ये वैकेंसी आई हुई है रिलायंस फाउंडेशन स्कूल के अंदर, जो कि दोस्तों एड्रेस दिया गया नवी मुंबई, यानी कि इसकी जॉब लोकेशन मुंबई रहने वाली है। तो दोस्तों आपको सबसे पहले फॉर्म अप्लाई करना है अच्छी तरीके से और उसे सबमिट करना है। दोस्तों फॉर्म अप्लाई करने के लिए यहाँ पे दिया गया, यानी कि इंटरेस्टेड कैंडिडेट में अप्लाई ऑनलाइन, ये लिंक दिया गया है, ये लिंक आप गूगल पर सर्च करके भी यहाँ से अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों ऑनलाइन अप्लाई करने के बाद में आपको बुलाया जाएगा। तो दोस्तों ये इंफॉर्मेशन थी रिलायंस फाउंडेशन स्कूल भर्ती 2024 के बारे में A to Z इंफॉर्मेशन। तो दोस्तों ऐसी नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए आप हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, साथ में जो बेल आइकन बनता है उसे प्रेस जरूर करें, जिससे कि जो भी मैं नया वीडियो लेके आऊँ उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल सके और आप ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट प्राप्त कर सकें। थैंक यू दोस्तों, जय हिंद जय भारत। Thanks for watching.